रहे चैन से बेदर्द जमाने वाले, सो गए ख्वाब से दुनिया को जगाने वाले। देखने को तो करोड़ों हैं मगर इतने हैं जुल्म के आगे कभी सर ना झुकाने वाले। मर के भी मरते हैं कब मादरे मिल्लत की तरह, शमा तारीख फिजाओं में चलाने वाले। ये वोट आपके हाथ में अमानत है और मुझे उम्मीद है कि आप ये वोट को एक अमानत समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ना कि कोई और चीज के लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो न सिर्फ काम को मुसीबत उठानी पड़ेगी मगर आप लोगों को भी। अस्सलाम वालेकुम, अपना अपना गरेबान से तमाम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी मुबारक हो। आज जब हम अमरीका की इंतखाबी मुहिम को देखते हैं और सब अपने दांतों में उंगलियां दबा लेते हैं कि शायद पहली मरतबा कोई खातून सदर हिलरी क्लिंटन के नाम से अमरीका की हुकूमत की बागडोर संभालने जा रही है, तारीख में पहली बार ऐसा अमरीका में होगा, मगर शायद हम भूल जाते हैं कि हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान आज से 51 साल पहले 1965 में पहली खातून उम्मीदवार सदारती ओहदे के लिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी। के हवाले से हम मोहतरमा फातिमा जिन्ना को उनकी सियासी शख्सियत के हवाले से याद करने की कोशिश करेंगे। जनवरी 1965 में जब उन्होंने फील्ड मार्शल अयूब खान के खिलाफ सदारती इंतखाब लड़ने का फैसला किया और इंतखाब तो वो हार गई, मगर उनकी सियासी बसीरत और उनकी शख्सियत का जो सियासी पहलू सामने आया वो आज तक सियासतदानों और तजियाकारों के दिलों में जिंदा है। आज हम बात करेंगे मोहतरमा फातिमा जिन्ना के एक सियासी मैनेजर और इंतखाबी कैंपेन के मैनेजर, हमें कहना चाहिए रावलपिंडी कैंट के एरिया के एक तारीखी शख्सियत और सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब अल्ताफ अलाही शेख से, जो आज हमारे साथ मेहमान हैं। अल्ताफ अलाही शेख रावलपिंडी कैंट में मोहतरमा फातिमा जिन्ना की इंतखाबी मुहिम चलाते रहे हैं और मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा, जो हमारी मादरे मिल्लत हैं और जिनकी काविशों से आज हम ये पाकिस्तान का 69वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, और उस हवाले से भी हम अल्ताफ अलाही शेख से बात करेंगे। अल्ताफ अलाही शेख साहब ने तकरीबन 24 से 25 साल की उम्र में मोहतरमा फातिमा जिन्ना से इनकी मुलाकात हुई यहाँ पे, और ये खुद भी एक बेसिक डेमोक्रेट मेंबर थे, एक बीडी मेंबर थे, और इन मेंबरों को वो वोट का हक हासिल था कि जिसके ज़रिए 1965 का सदारती इलेक्शन होना था। तकरीबन 80,000 के करीब मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के ये बीडी मेंबरान थे जिन्होंने इस सदारती इंतखाब में हिस्सा लिया। अल्ताफ अलाही शेख साहब बीडी मेंबर भी थे और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की रावलपिंडी कैंटोनमेंट में कैंपेन के एक इंचार्ज भी थे। अल्ताफ अलाही शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपको यौम आज़ादी मुबारक हो। आज के दिन तो आप यकीनी तौर पर अपनी जवानी के वो दिन याद कर रहे होंगे जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना से आपकी मुलाकात हुई और एक एक अजीब और एक तारीख साज शख्सियत थी, खातून थी, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा अमेरिका में तो अब जाके खातून सदर जो है वो उम्मीदवार हैं और लोग कह रहे हैं तारीख बन रही है, पाकिस्तान को ये मौका मिला कि वो 51 साल पहले 1965 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने सदारती इंतखाब का इलेक्शन लड़ा। इस वाले से बहुत से सवाल भी हैं और मैं जानना चाहूँगा आपसे, आगाज़ में इस बात से करूँगा कि आखिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने लाने का फैसला कैसे हुआ, किसने किया, क्या हालात थे? असल में बात यह थी कि जब ये 1962 का आइन दिया अयूब खान साहब ने, तो सबसे पहले मैं ज़रूर नाम उनका लूँगा, इब्राहिम साहब थे जो कि लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस पे साइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वन मैन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं साइन नहीं करूँगा और अहदे से रिज़ाइन कर दिया। रिजाइनमेंट वहीं से शुरू हो गई। होते होते जब ये इलेक्शन आया तो उसमें ऐसा था कि कोई ऐसा उम्मीदवार मिल नहीं रहा था कि जो थ्रू आउट पाकिस्तान वो कर सके फील्ड मार्शल के मुकाबले को, तो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स देखे गए। बिलाखर नज़र इंतखाब मादरे मिल्लत पे आई
तो नजर ये आइडिया किसका था वैसे बुनियादी, ये कौंसल लीग का था, कौंसल मुस्लिम लीग, जो मतलब मैं तो कहता हूँ आज भी असल मुस्लिम लीग वही थी और हम आज तक उसी मुस्लिम नवाबजादा नसरुल्लाह खान और अपोजिशन लीडर जो थे साथ, लेकिन बाद में ये COP बन गई थी, कंबाइंड अपोजिशन, कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज पार्टीज, और ये साथ इन्होंने दिया, इवन ये वली खान वगैरह साथ थे, तो वो सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई थी। अच्छा, अब हुआ ये, असल में तो सब खिलाफ थे उसके डिक्टेटरशिप के, आर्मी रूल के, वो सारे इकट्ठे हो गए। मेन चीज़ जो थी माजर मिल्लत का मुतालबा जो था, या कौंसल लीग का कह लो या कंबाइंड अपोजिशन ग्रुप का, कि पार्टीज का, कि ये जो था डायरेक्ट इलेक्शन हो और ये पार्लिमानी निज़ाम कायम हो, जबकि यू खान ने सदारती निज़ाम कायम कर दिया, और अगर ये आइन उनका एग्जिस्ट करता रहता जो कि जिसको उन्होंने आप ही बाद में अप्रोप्रिएट किया, तो आज कहीं जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नज़र आनी है। मगर फातिमा जिन्ना ने ये मुतालबात जो थे पार्लिमानी निज़ाम के और डायरेक्ट इलेक्शन के, ये सदारती उम्मीदवार बनने से पहले किए, वो काउंसिल मुहिम या COP के साथ शामिल किस मरहले पर? शामिल होने के बाद भी अयूब खान को इस पर कहा गया कि ये दो मुतालबात बेशक मान लो, सदर तुम रहो जो मर्जी करो, लेकिन ये दो मुतालबात हैं कि 80,000 आदमी फैसला न करे कौम का, कौम की तकदीर का, बल्कि ये पूरे मुल्क को हासिल होना चाहिए, अवाम को, हर बालिग शख्स अपनी वोट दे। लेकिन फातिमा जिन्ना मानी कैसे, उम्मीदवार बनने के लिए तैयार कैसे? वो तैयार पहले तो नहीं हो रही थी, सब ने कहा नहीं, फिर ख्वाजा नाजमुद्दीन को भेजा गया, जिनकी इज्जत कायदे आजम भी करते थे, और फातिमा जिन्ना मशरिकी पाकिस्तान जो COP कंबाइंड अपोजिशन के बाद में वो सरबरा भी कौंसिल मुस्लिम लीग के, तो वो अपना उन्हें भेजा गया, ख्वाजा नाजमुद्दीन वज़ीर आज़म भी रह चुके थे ना, सही, तो उन्हें भेजा गया, तो उन्होंने फिर मादर मिल्लत को बताया, वो राज़ी नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा देखें मोहतरमा, पाकिस्तान आपके भाई ने बनाया है और अब ये पाकिस्तान जो है ये हमसे जा रहा है, छिन रहा है, तो अगर आप ना आई तो ये पाकिस्तान जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। इस पर वो क्या कि बाहर निकले, तो जो निकले ही थे बाहर, तो फिर मोहतरमा ने बुला लिया और उन्होंने कहा जाओ कह दो कि मैं इलेक्शन लड़ूं। अच्छा, उनका अपना जाती कोई उसमें नहीं, कि एक चीज़ जो है जो आज तक दुनिया में नहीं हुई और ना कभी होगी, कि मादरे मिल्लत को जिन्होंने वोट दिया उन्होंने अपना डेथ वारंट साइन किया। अच्छा, अब मैं मेंबर बना था, मैंने वोट मादरे मिल्लत को दिया, जिस दिन मादरे मिल्लत जीत के आनी थी उस दिन वो ख़त्म ही हो जाना था निज़ाम, मैं ना मेम्बर रहना था ना वो निज़ाम रहना था। ये कैसे आप कह सकते? ये देखें हमारा मंजूर यही था ना पार्लिमानी निज़ाम, कि आपने इसे ख़त्म करना, हाँ इसको ख़त्म करके, BD सिस्टम को ख़त्म करके 80,000 की बजाय पूरी कौम के बालिग लोगों को वोट का हक दें, पार्लिमानी निज़ाम कायम हो, और दूसरा ये कि अपना सदारती की बजाय। मगर क्या इस पर कोई बहस हुई थी कि इस निज़ाम के तहत इलेक्शन लड़ा ही ना जाए, क्योंकि ये एक आमर का दिया हुआ आइन है, फर्द वायद का आइन है, इब्राहिम साहब आपने खुद का लॉ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, तो इस निज़ाम के तहत इलेक्शन लड़ने पे आपकी कौंसिल मुस्लिम लीग या कम्बाइंड अपोजिशन तैयार कैसे हुई, क्यों हुई? वो इसीलिए तैयार हुई कि अगर ये इलेक्शन हम लड़ते हैं, दोनों चीज़ें थी, इलेक्शन लड़ते हैं जीत जाते हैं तो ख़त्म हो जाएगा, अगर हार भी गए, और वो जो हुआ कि हम हार गए, लेकिन आप देखें कि आज तक उसके बाद कभी कोई फौजी हुक्मरान जो भी आए ताले आजमा, वो जो आइन को ट्रैश कहते थे वो आज भी आइन की बात करते, ये सिर्फ मादर मिल्लत का इलेक्शन लड़ना था जिसने इन्हें आइन वाली बात सिखाई कि ये आइन जो है और पार्लिमानी निज़ाम आज तक कायम रहा, अभी तक कभी। मगर उसमें शायद एक सानहा भी हुआ जिसके बाद बड़ा सख्त सबक सीखा और वो भी एक शायद वजह थी। मगर शेख साहब ये बताएं कि रावलपिंडी में आपका क्या रोल था उनकी कैंपेन के दौरान, और जब पाकिस्तान जैसे उस वक्त के माशरे में ऐलान हुआ कि खातून सदर बनने जा रही है, तो लोगों का क्या रद्द अमल था, मजहबी जमातों का क्या रद्द अमल था? सर मजहबी जमातें तो मैं कहूँगा कि साथ थी हमारे, लेकिन ये जो हमारा तबका कुछ जो देहातों का था उनके यहाँ जाते थे कन्वर्सिंग के लिए, तो वो कहते थे जी कि औरत बादशाह नहीं बन सकती, बादशाह बताया कि भाई हम बादशाह के खिलाफ आ रहे हैं, डिक्टेटरशिप के खिलाफ आ रहे हैं, तो वो कहते थे कि नहीं औरत तो बन ही नहीं सकती, हम मुसलमान हम कैसे वोट दें,
और ये प्रोपेगेंडा अयूब खान की तरफ से भी बाकायदा किया गया? बिल्कुल किया गया, बिल्कुल किया गया। और क्या सरकारी मीडिया पर भी इस तरह के पैगामात मैसेजेस? सरकारी मीडिया उसका क्या रोल होता है? नवाए वक्त के बाकी सारा सरकारी मीडिया था, नवाए वक्त ने साथ दिया, नवाए वक्त ने साथ दिया और उन्होंने पूरा साथ दिया। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि भुट्टो साहब के वक्त में भी जब एक स्टेज आ गई कि सब पार्टीज उधर और वो सारा अखबार, सब अखबार चले गए थे। आपको याद हो शायद कि एक दफ़ा भुट्टो साहब अपने वो करने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो सारे बैठे हुए थे नुमाइंदे, तो सब ने वो लिख रहे थे जो वो कह रहे थे। तो नवाए वक्त के नुमाइंदे ने पेंसिल यहाँ रख ली कान पे, तो चुप, उन्होंने कहा कि वो तुम क्या नाम है, क्यों नहीं लिखते, तुम क्यों नहीं लिख रहे? उन्होंने कहा जी एक शेर में जवाब दे सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हाँ कहें। उन्होंने कहा ना नसवाल बस ना अर्ज गम, ना हकायतें ना शिकायतें, तेरे हद दिले जार में सभी इख्तियार चले गए, चले गए। तो उन्होंने हंस के वो चुप हो गए। तो कौन थे असर भी हुआ, कौन थे नुमाइंदे, नाम आपको शायद? नाम नहीं याद मुझे। अच्छा एनीवे हम वापस आए अगर पिंडी की कैंपेन के हवाले से, तो पिंडी में कैंपेन का इंचार्ज आप थे, क्या सियासी सूरतेहाल थी और वो भी पिंडी कैंट की? जी। और जब कैंट की बात आती है तो कैंट तो फिर फील्ड मार्शल का था, था। तो क्या मुश्किलात थी आपको कैंट के हवाले से? यहाँ पे भी जाते थे जितने उस वक्त के वो जो थानों में बैठे होते थे 9 नंबर और 10 नंबर, उनसे वास्ता पड़ता था। अच्छा। एक बार अली इमाम जाफरी जो मरी रोड पे होते थे, बाद में चेयरमैन भी बने, उनकी गाड़ी में हम गए कन्वेंशन के लिए, तो 22 नंबर पे किला जो होता था एंड पे एक, वहाँ गए, गाड़ी खड़ी की, अभी निकले ही थे तो गोलियां चलनी शुरू हो गई। अच्छा, फायरिंग फायरिंग शुरू हो गई। कौन कौन थे आपके साथ? हम खड़े हो गए, जाफरी थे, मैं था, ये अपना जाफरी के एक भाई होते थे साथ, वो थे, ये मेरा ख्याल है निसार अहमद निसार भी था या नहीं ये मुझे याद नहीं। किसने फायरिंग की, कौन लोग थे? लोग वो सरकारी थे और कौन थे, पुलिस के? नहीं नहीं, यही जो पीपल पार्टी के बदमाश, हाँ हाँ, बस्ते तलाश करने शुरू किए गलियों में कि जाके, और अंधेरा था बिल्कुल, यानी वो देहात वाला माहौल था। तो जब आए तो चारों टायर जो थे वो फटे हुए थे गाड़ी के, तो वो फिर एक था तो वो कन्वेंशन लीग का, लेकिन था तो अच्छा आदमी, उन्हें गाड़ी मंगा के दी तो वहाँ घर तक पहुँचे, तो दूसरे दिन जाके उन्होंने टायर वगैरह बदलाए। ये हालत थी कन्वेंशन। पर शेख साहब ये बताए ना कि आखिर लोग फातिमा जना को, जैसे कि अयूब खान ने अपनी किताब में भी लिखते हैं फ्रेंड्स नॉट मास्टर में, कि लोग फातिमा जना की इज्जत करते थे, उनको एहतराम देते थे, मगर वो उनको सदारती ओहदे के लिए मुनासिब नहीं समझते थे, तो वो कायदे आज़म का नाम भी और फातिमा जना की शख्सियत भी लोगों को रागब नहीं कर सका, ये क्या मतलब? कायदे आज़म के हवाले से भी उनका नाम भी बकौल अयूब खान के बहुत इस्तेमाल हुआ इलेक्शन में, मगर फिर भी लोगों ने वोट नहीं दिया। नहीं, नहीं, ये बात नहीं थी, उनके साथ मेजॉरिटी थी, पब्लिक जो थी वो तो ऑल आउट थी उनके लिए। तो बीडी मेंबरों जो थे, मैं करता हूँ, बीडी मेंबरों पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास लाइसेंस है तो वो नोटिस आ गया था लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, इनकम टैक्स से नोटिस शुरू हो गए, फिर जो बिकाऊ माल था उन्हें 17,000 के चेक दिए गए। अच्छा जी, कि ये 17,000, उसके 17,000 बड़ी चीज़ थी, 17,000 कुछ सौ के, वो जो बाद में कैश ही नहीं हुए। अच्छा कैश भी नहीं हुए, कैश भी नहीं हुए। अच्छा, ये चेक किसने दिए? ये कन्वेंशन लीग वालों ने। ये पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से थे? पार्टी की तरफ से, शख्सियत कोई नहीं, पार्टी वाले थे। वो चेक बाउंस हुए? चेक बाउंस हो गए, लेकिन उसके 489F नहीं था। अच्छा, हाँ, उस वक्त कुछ नहीं कर सकते लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो बाउंस हुए, वो जीतने के अच्छा उसके बाद की डेट के पोस्ट डेटेड चेक थे। ठीक। अच्छा, फातिमा जना जब पिंडी में आई तो उनके, उन्होंने कैसे अपनी कैंपेन, कौन से इश्यूज पे फोकस किया उन्होंने अपनी कैंपेन के दौरान? आई जब तो पार्टी की तरफ से एक प्रेस क्लब में अरेंज किया था ये COP वालों ने, उनके एक रिसेप्शन, उसमें वो पिंडी प्रेस क्लब की बात कर रहे हैं, पिंडी प्रेस क्लब, तो उन्होंने वहाँ पे तकरीर की
پہلے تو سپاسنامہ پیش ہوا جو خان صلاح الدین خان جو کہ اپنا نوابزادہ نصر اللہ کی پارٹی کے تھے, خان صلاح الدین خان ایڈوکیٹ, انہوں نے سپاسنامہ پیش کیا کہ مادہ ملت ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا کیا ہے. اسی اس یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے سپاسنامہ کی بات پر, اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ محترمہ فاطمہ جناح کے نوجوان جان صاحب. ویلکم بیک. اپنا اپنا گربان کا خصوصی پروگرام یوم آزادی کے حوالے سے آج جب ہم یوم آزادی منا رہے ہیں تو ہمیں ان شخصیات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جن کی انتھک محنت کی بدولت آج ہم اس آزاد فضا میں سکھ کا سانس لے رہے ہیں بطور ایک فاخر پاکستانی کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ الطاف الہی شیخ جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی الیکشن کیمپین میں بہت محنت کی, ان کے ساتھ کام بھی کیا. شیخ صاحب, آپ کا ذاتی طور پہ محترمہ فاطمہ جناح سے ملاقات کب کہاں اور کیسے ہوئی؟ سر, میں پہلی بار جب انہیں ملا تو فلیش مین ہوٹل میں پنڈی بار نے ایک چائے کا اہتمام کیا تھا اور خواجہ احمد اقبال صدر تھے بار کے, تو منٹو صاحب بھی وہیں تھے اور سینئر بھی تھے, تو محترمہ آئیں وہیں پہ. حبیب جالب صاحب نے 20 گھرانے ہیں آباد والا سنایا تھا پہلی دفعہ, تو ہم وہاں پہ موجود تھے. کچھ یاد ہیں تو آپ کو سنائیے گا ضرور. 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد, صدر ایوب زندہ باد, عام ہوئی غنڈہ گردی, چپ ہیں سپاہی بابر لی, شمع نوائے اہل سخن, کالے باغ نے گل کر دی, بچہ بچہ ہے نشاد, صدر ایوب زندہ باد. لائسنسوں کا موسم ہے, کنونشن کو کیا غم ہے, آج حکومت کے در پر ہر شاہی کا سر خم ہے, در سے خودی دینے والوں کو بھول گئی اقبال کی یاد, صدر ایوب زندہ باد. یہ انہوں نے سنا. تھینک یو صدر ایوب. اچھا, تو وہاں پہ میری ڈیوٹی منٹو صاحب نے لگا دی گیٹ پہ کہ ریف ریف لوگ آ جاتے ہیں, تو میں لوکل ہوں یہاں کا پرانا, تو جانتا تھا میں ساروں کو, تو وہ اس لیے میری ڈیوٹی وہاں لگا دی. تو مادر ملت ایسے سب سے ملتے بی ڈی ممبر سے آ رہی تھی, تو آ کے تو انہوں نے کہا بس یہی ہے, منٹو صاحب نے کہا, تو وہ ایک میرے دوست تھے جو میرے کلیگ نئے نئے وکیل ہوئے تھے اس وقت, تو انہوں نے شور ڈال دیا, انہوں نے کہا جی ہمارا دوست تو باہر ہے, میرا نام لیا, بلاؤ 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 بلاؤ, بلایا میں آیا, تو میں مادر ملت کو سلام کر کے, تو وہ ادب سے جس طرح ہمارا جہاں ہوتا ہے بزرگ کو ادب کر جھکتے ہیں, جھکا تو مادر ملت نے ایسے دیکھا مجھے, اور وہ انہوں نے ایسے وہ شفقت مادری کی تحت جس طرح وہ ایسے کر کے پکڑ لیا میرے گالوں پہ ایسے کر کے, تو وہ سو ینگ, تو میرے لیے یہ ساری عمر یہ سرمایہ ہے. اور میری پوتی نے ایک بار پوچھا کہ ابو آپ کو سب سے لمحات آپ کے خوشی کے کون سے تھے, تو میں نے یہی واقعہ بیان کیا کہ بیٹے اس سے بڑا واقعہ اور کہ مجھے یہ لمحات ساری عمر یاد رہیں گے, تو وہاں ملاقات ہوئی تھی. تو شیخ صاحب, ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کی جو یہ ذاتی زندگی کے حوالے سے, سیاسی زندگی کے حوالے سے آپ سے تصاویر بھی کوئی حاصل کریں, مگر شاید آپ کے لیے یہ بھی ایک اور سانحہ ہے کہ آپ کی جو ہسٹوریکل جو ریکارڈ ہیں وہ بھی ابھی کسی وجہ سے آپ بتانا چاہیں گے دستیاب نہیں. سر, بات یہ تھی کہ اس میں میرے بھائی جو تھے وہ بڑے اچھے سپیکر بھی تھے, وہ بھی آفس بیئر تھے مسلم لیگ کے, وہ بھی ہمارے ساتھ رہے, تو ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ انہیں ہم بلڈ کر رہے تھے فار فیوچر, تو سارا کچھ جو ہوتا تھا وہ ان کے پاس ہوتا تھا ریکارڈ جو جی. میرے کو تو وہ یہ کہہ دیتے تھے, یا والد صاحب میرے تھے, انہوں نے الیکشن ہونے کے بعد مجھے کہا تھا کہ بیٹے میری اولاد ہو تو قائد اعظم کی بہن کو نہیں چھوڑو گے, تو ان کے ساتھ رہو, ان کا ساتھ نہیں چھوڑو گے بالکل, ہم نے اسے وے کیا تھا. تو وہ تصاویر یا کوئی ریکارڈ جو تھے وہ ان کے پاس اگر ہوں, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی بڑے بھائی جو تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک. اچھا, ایک اور میں جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے بطور صدارتی امیدوار جب الیکشن لڑا تو اس وقت خواتین کو موبلائز کرنے کے لیے فاطمہ جناح نے کیا کیا اور وہ کیا پیغام دیتی تھی خواتین کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, ڈیتھ نیچرل تھی, اے سی بند ہو گیا تھا, ان کے وہ نشان تھے, وہ جب انسان اس طرح اندر سے دروازہ بھی بولڈ تھا, کوئی ایسی وہ ایویڈینس مل نہیں سکتی. اس وقت آپ لوگوں نے اس پہ کافی معلومات اکٹھی کی, وہ معلومات کی, لیکن یہی پتہ لگا کہ نہیں ان کی ڈیتھ جو تھی وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, ویسے وہ اوکیزن نہیں تھا نا,
क्योंकि वो कभी उसके बाद आई नहीं ना, याद होता है ना कि वो फील्ड में रहती हैं, वो कहाँ ज़्यादा उनकी रहस्य रही, कराची 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 रही वो इलेक्शन होने के बाद। ठीक चले, एनीवे अल्ताफ अली शेख साहब, आज यौम आज़ादी के दिन आपसे हमने आपकी यूथ और आपकी नौजवानी की कहानी सुनी, और एक तारीख साज शख्सियत के साथ आपने काम किया, मेहनत की। हमारी दुआ है कि आप हमेशा सेहतमंद रहे और हमारे साथ रहे। और भी एक मैं भी अर्ज करूँगा जी कि मैं आपकी तारीफ करूँगा आप हजरात की, कि जिन्होंने पहली बार मादर मिल्लत के लिए इतना टाइम निकाला, इंटरव्यू किया, पता किया कि कोई, क्योंकि आपके मेरे साथ के तो बंदे मेरा ख्याल खाल खाली कहीं नजर आएंगे, नहीं नहीं माशाल्लाह जो नजर आएंगे वो भी नहीं देखे ना। युवा टेली में आप 78 इयर्स ओल्ड है माशाल्लाह, और अभी अल्लाह ताला आप हर दिन न रहते इस तरह। वैसे आज यौम आज़ादी के दिन आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान की? कहूँगा यही कि पाकिस्तान का हर बंदा जो है वो सोचे पाकिस्तान के बारे में, इंडिविजुअल या उसी किसी खास पार्टी के, पाकिस्तान का सोचना चाहिए हमें कि हमारा मुल्क कौन है तो हम भी हैं, और इसको जो ताकतें इस वक्त खा रही हैं, जैसे हमारे 50-60 वकील मर गया, ये खास यानी एक जहन है जो कि लगा हुआ है बलूचिस्तान के पीछे, वो पड़ के बाकी जगहों से नाकाम हो के, तो ऐसे अलगी पसंदों को डिस्करेज किया जाए और अपने मुल्क के लिए जो भी काम करें उसके मफाद के लिए करें। चले, और लास्ट में, क्योंकि आपने बड़ी तहरीकें देखी हैं, तो जो वकला तहरीक चली थी पाकिस्तान में जजों की बहाली के लिए, उसका आप मुख्तसरन कैसे डिफाइन करेंगे? देखें, वो मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाब तहरीक थी, लोगों को इख्तलाफ चीफ साहब से होगा, इफ्तखार साहब से, लेकिन अगर वो देखा जाए कि वकला का जहाँ तक कुर्बानी है, इन्हें ले जा के फांसी की कोठरियों में रखा गया, वकीलों को लाठी चार्ज किया गया, मैं खुद जो वहाँ जाता रहा उनके, मैंने पूरे वो अटेंड किए जब उनका ट्रायल सा हो रहा था, तो उसके बाद कुछ तबीयत ख़राब हुई तो देखा तो मेरी शुगर जो थी वो 200 से ऊपर चली गई, जो हमेशा कंट्रोल रहती थी, तो फिर मुझे वो प्रेस कर। आप समझते हैं कि वो तहरीक जो थी एक तहरीक वो थी और यूनिक किस्म की तहरीक थी, और शायद आइंदा ऐसी तहरीक ना हो। बहुत कामयाब रही, वकीलों ने बहुत अपना जो था दिखाया कि भाई किस तरह जमहूरियत बहाल होती है, या जज बहाल होता है, या जुडिशरी, ठीक जुडिशरी के लिए उन्होंने जो काम किया वकीलों ने उसकी मिसाल कहीं नहीं। और क्या जुडिशरी उनकी तवक्कात पे, आवाम की तवक्कात पे पूरी उतर रही है आपकी राय में? मेरे ख्याल में तो है, लोग बाजों के जाती होते हैं ना काम, अगर नहीं होता तो कहते हो जी जज, अब ये तो नहीं कि जाए आदमी तो वो ठीक लाख उसको छोड़ दें, अगर वैसे देखा जाए तो मैं मुतमईन। बहुत शुक्रिया अल्ताफ अली शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक ऐसी हस्ती जो हमारी फेवरेट हस्ती है फातिमा जनाब, आज उनके लिए हमने उन्हें यकीनी तौर पे याद किया, और ऐसी बहुत सी और भी शख्सियात हैं जो कि गुमनाम शख्सियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए और तहरीक पाकिस्तान के लिए और मोहतरमा फातिमा जिनाह के साथ भी काम किया, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो हमेशा असूलों पर कायम रहते हैं और आखिर दम तक कानून के, आइन के और तारीख के सही सिमत में खड़े होते हैं। अपना अपना गरेबान के यौम आज़ादी एडिशन से मतीउल्लाह जान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।